हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं अपने चैनल में शेयर करती हूँ सेल्फ फेशियल आप कैसे कर सकते हो, यू नो ब्यूटिशियन क्लासेस वगैरह, ये सारे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फेशियल वाले वीडियो में मुझे बहुत कमेंट आए थे कि आप कोई अच्छा सा फेशियल मसाजर हमारे साथ शेयर करें जो हम अफोर्ड भी कर सकें, जो कि अच्छा वर्क भी करता हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि सबसे अफोर्डेबल मसाजर कौन सी है, आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको यही बताने वाली हूँ। और गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे। बस लड़ने का एक ही उपाय है कि आप घर पे ही रहो। तो प्लीज़ आप लोग घर पे ही रहिए और इस मसाजर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन आप इसको ऑर्डर करना, अभी आप ऑर्डर मत करना। ऑर्डर भी करोगे तो आपको रिसीव नहीं होगी या फिर आपको मिलने वाली भी नहीं है। सो लॉकडाउन के बाद ही आप इसको अगर ऑर्डर करोगे तो अच्छा होगा। एंड इसकी जो प्राइस है ना, वो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग प्राइस मिलती है, जैसे अमेजोन में अलग, फ्लिपकार्ट में अलग, अलग अलग जगह में अलग प्राइस होती है। तो जो सबसे कम प्राइस की होगी, मैंने जिस लिंक से मंगाया, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैंने मंगाया था 250 में या 200 में मंगाया था, जो भी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ओके, और किसी भी प्रोडक्ट को, सिर्फ मसाजर ही नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर जज करोगे ना, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग जज करना, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप प्राइस, अगर आप 100 रुपये प्राइस दोगे, आप 1000 रुपये का एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो गलत हो जाती है ना। ओके, तो चलिए आज मैं आपको मसाजर शेयर कर रही हूँ। तो मैं जिस मसाजर की बात कर रही हूँ वो है ये, आप लोग वाकिफ होंगे इससे। इसमें 5 अटैचमेंट्स मिलती है, लेकिन मेरे पास इसकी पैकेजिंग नहीं है, मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगी, आप फ़ोटो में देख लेना इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी होती है, या अदर वीडियो में देख सकते हो किसी और की वीडियो में, बिकॉज मेरे पास पैकेजिंग नहीं है इसकी, क्योंकि मैं इसको वन ईयर तो हो ही गए मुझे इसको मंगाए हुए। ओके, तो ये आपको इस तरीके से मिलती है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, चलने वाली क्वालिटी है। और इसमें आपको यहाँ पर ऑफ, लो एंड हाई मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको आप बैटरी से यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, अच्छी बात ये है कि इसको आप बैटरी से यूज़ कर सकते हो, करंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसमें 5 अटैचमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपका पहला है ये क्रूड पॉलिश, दूसरा है ये रोलर मसाजर, आप रोलर भी बोल सकते हो, ये है। ओके, इसमें आपको मिल रहा है ये मेकअप स्पंज, ये आपको मिल रहा है सॉफ्ट ब्रश, और ये आपको मिल रहा है यहाँ पर स्पंज। अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं क्रूड पॉलिश की बात करूँगी, तो इसके, इससे आप इस, मतलब इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्लेम क्या हुआ है कि इससे आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव होती है, लेकिन गाइज आप इसको फेस में यूज़ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है फेस में यूज़ करके। हाँ, आप इसको अपने एल्बोज़ पे, अपने नीज़ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेस में ये यूज़ मत करना, बहुत ज़्यादा यू नो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत हार्श लग रहा है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, तो आप ये मत यूज़ करना, ये कोई काम का नहीं है। अगर आपके एल्बोज़ एंड नी डार्क है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मसाज कर सकते हो। मुझे थोड़ी जुखाम है तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करना। ओके, सबसे पहले आप क्या करते हो, क्लींजिंग। ओके, क्लींजिंग जब आप करते हो तो आपको यू नो बहुत लोगों के, एक्चुअली जो सच है, सेल्फ फेशियल करने में हाथ दर्द होता है, ये सच है। ओके, तो जब आप क्लींजिंग करोगे तो आपको क्लींजिंग में, और ओके, ये एक और बात है कि ये स्पिन करता है। ओके, ये स्पिन करता है, तो जब आप क्लींजिंग करोगे ना, तो क्लींजिंग करने के वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो सॉफ्ट ब्रश है ना, ये बहुत अच्छे से आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है, आपके पूरे स्किन को डीप क्लींजिंग करता है। अगर आप क्लींजिंग यूज़ कर रहे हो तो आप इस, आपको ये अंदर से पूरा क्लीन करेगा। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिए, जिस तरीके से हमें हाथों को भिगोना पड़ता है, उस तरीके से आपको इस ब्रश को भी भिगो के रखना पड़ेगा। मान लो आपने फेस में क्लींजिंग मिल्क लगाया, इसके बाद आपने उसको पूरे अच्छे से फैला लिया, उसके बाद आपको इस ब्रश को अच्छे से वेट कर लेना, इसके बाद आपको फेस में आपको इस तरीके से यूज़ करना है। आप देख सकते हो, आपको ये इस तरीके से यूज़ करना होगा। इतना अच्छा लगता है ना इसको यूज़ करने के बाद, कि आपको मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग्स आती है। तो बस इसको इस तरीके से अटैच कर देना होता है, ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर देना, काफ़ी इजी है, आप देखोगे आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो फर्स्ट ये हो गया, इससे आप क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप कभी भी कोई भी कुछ भी करो, क्लींजिंग करो, स्क्रब करो, अंडर आई एरिया में नहीं करना, अंडर आई एरिया में सिर्फ क्रीम मसाज करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये भी आपको अंडर आई एरिया में यूज़ नहीं करना है। सेकंड आपको यूज़ करना है ये वाला रोलिंग मसाजर,
आपको ये यूज़ करना है, इससे आप स्क्रब कर सकते हो, इससे आप क्रीम मसाज भी कर सकते हो, लेकिन अगेन इसको आपको अंडर आई में यूज़ नहीं करना, बाकी पूरे फेस में पूरे नेक में आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से ये मसाज करता है, ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। मैं और भी इसके आगे यूजर्स बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ओके। इसके बाद अंडर आई एरिया के लिए आप ये स्पंज यूज़ कर सकते हो, ये स्पंज जो दिया हुआ है वो अंडर आई एरिया के लिए ही दिया हुआ है, ये इस तरीके से वर्क करेगा, इजली आपको दिख रहा होगा। तो ये आपके अंडर आई एरिया के लिए है, जिस तरह इसके तरीके से हम फेशियल मसाज करते हैं तो रिंग फिंगर यूज़ करते हैं अंडर आई के लिए, ठीक। आपको स्पंज अपने अंडर आई में यूज़ करना है और कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारे अंडर आई एरिया जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी स्किन डेड होने के चांसेस रहते हैं, और स्किन डेड मतलब आपको बहुत सारे भयंकर वाले डार्क सर्कल। मेरे डार्क सर्कल होने का यही रीज़न है, मैं ऐसे ऐसे बहुत रब करती थी, इस वजह से मेरे डार्क सर्कल का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ की स्किन डेड हो गई, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ ठीक हो जाए। इसके बाद आपको ये वाले जो स्पंज, मेकअप स्पंज मिल रहा है ना, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा ये फाउंडेशन को ब्लेंड करता है। बट सच वाली बात ये है कि ये आपके फाउंडेशन को ब्लेंड तो करेगी लेकिन अंडर आई एरिया में नहीं करेगी, आपको अलग से ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश यूज़ करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ आप इसको जब भी आई अंडर आई मसाज कर रहे हो, अगर आप ये स्पंज नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो इस स्पंज को भी आप यूज़ कर सकते हो, इस मेकअप स्पंज को भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये इस तरीके से स्पिन कर रहा है, और फाउंडेशन अगर आपको ब्लेंड करना है तो मैं बोलूँगी आप इसे मेकअप मत कोशिश करना, बिकॉज आपका अंडर आई एरिया का मेकअप आपका ये ब्लेंड नहीं करता है, सो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस वगैरह में देखा था और जब मैं यूज़ करने गई तो पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंड हो गया था, बट अंडर आई एरिया और फेस अंडर आई एरिया और फेस एरिया जो है टोटली अलग लगती है इससे ब्लेंड होने के बाद, ट्रस्ट मी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे लिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेरे लिए वेस्ट है, बाकी तीन मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, ओके। तो इस ये सारे यूज़र्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये आपको किस एज में कितनी बार यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी एज 20 है या 20 के अंदर है तो आप इसको वीक में एक बार यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। अगर आपकी एज 20 से 30 के अंदर में है तो आप इसको 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो वीक में, वो भी 2 मिनट के लिए, याद रखिए ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं। हाँ, फेशियल कर रहे हो तो आप मंथ में एक बार फेशियल कर रहे हो तो आप कर सकते हो, या 2 सप्ताह में एक बार कर रहे हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट इसको टाइम दे सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर आप एवरीडे यूज़ करना चाहते हो तो आपको एवरीडे यूज़ नहीं करना है, 20 से 30 के अंदर है उसके लिए एवरीडे यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप 20 से 30 के अंदर हो तो आप इसको 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना वो भी मैं बता रही हूँ। और अगर आपकी एज 30 हो गई है तो आप इसको यूज़ एवरीडे कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन होगी कि एवरीडे फेशियल कैसे, मैं फेशियल की बात नहीं कर रही हूँ डियर, ओके। यू नो 30 एज के बाद जो होती है रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मेरी, मैं 20 और 30 के बीच में हूँ, ठीक है, तो मुझे लाफ लाइन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा मुझे लाफ लाइन की ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इसको वीक में 3 से 4 बार यूज़ करती हूँ। क्यों यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे लाफ लाइन है और मैं अभी समर है तो अभी मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, पूरे फेस में एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और इससे 1 मिनट करके मसाज करती हूँ वीक में 4 या 3 डेज, एक दिन बात करके मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी इफेक्ट लग रहा है। एक्चुअली मसाज, फेशियल मसाज जो होता है, फेशियल जो होता है, कुछ भी होता है जो हम फेस में मसाज करते हैं, हाथों से करें या मसाजर से करें, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से चलता है, जिसकी वजह से स्किन ग्लोइंग होती है, स्किन को काफ़ी अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाता है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है मसाज करने की। तो मैं वीक में 3 और 4 डेज इसको यूज़ करती हूँ, एलोवेरा जेल लगाती हूँ, नाइट के टाइम पे फेस को क्लीन करने के बाद, फेस वॉश या क्लिनजिंग करने के बाद मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने के बाद इस रोलर से मैं पूरे फेस में 1 मिनट के लिए मसाज करती हूँ और मैं सो जाती हूँ, उसको क्लीन व्लीन नहीं करना है, बस मैं सो जाती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब 20 और उसके अंदर वाली एज की जो लड़कियाँ हैं, आप इसको वीक में एक बार ये चीज़ कर सकती हो कि आप रात में एलोवेरा जेल लगा लिए, मसाज करके सो गए, बट वीक में एक बार, आपकी एज काफ़ी कम है तो आपको ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मसाज करने से हमारे रिंकल्स वाली जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, लेकिन आप बहुत, अगर 20 एज के अंदर हो और आप मसाज
करोगे तो आपको रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे. सो ये उल्टा काम करने लगता है, तो ध्यान रखिएगा. और 20 to 30 एज, जैसे मेरी है तो मैं 4 बार यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपकी 30 एज हो गई, आप 30 से ज़्यादा हो, तो आप इसको एवरी डे यूज़ करिए, लेकिन 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं. 1 मिनट मतलब आपका सप्ताह का 7 मिनट, 7 डेज का 7 मिनट्स हो रहा है. लेकिन आपको एवरी डे अगर यूज़ करना है तो आप एलोवेरा जेल लगा लो, या फिर कोई भी एंटी रिंकल्स वाली या फिर नाइट क्रीम लगा लो, उसमें भी आप ये मसाज कर सकते हो 1 मिनट के लिए. तो इससे क्या होती है, आपकी रिंकल्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है. तो ये वाली जो मैंने बातें बताई हैं, आपने कहीं भी वीडियो में देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना. और मुझे देखिए, मेरा जो काम है, एक मैं ब्यूटिशियन हूँ और ब्यूटिशियन क्लासेस भी आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे. तो इस मसाजर का प्रॉपर डिटेल्स मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल्स में बताया है. और आप इसको कैसे एवरीडे यूज़ कर सकते हो मैंने ये भी बता दिया है. तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, तो आपको वहाँ पर भी मेकअप ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, जो कि आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा. तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. फिलहाल के लिए बस अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.